सारे भैया ना भाई, मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। मैं अभी आया हूँ हिसार। हिसार का ये एक जीजीयू में जो एक बड़ा सारा ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम के पीछे ये छोटे छोटे हॉल हैं और यहाँ पर बहुत सारे मेरे भाई बैठे हैं, खड़े हैं। और क्योंकि ऑडिटोरियम में इनसो का आज कार्यक्रम है, सारे दिग्विजय और दूषण जी दोनों आए हुए हैं। बड़ा रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है और बहुत सारे भाई यहाँ पर हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि कुछ हो रहा है। भाई राम राम। राम राम भाई। अरे क्या हाल है वीरेश भाई, कितने के डब्बे खा गया? सच्ची होता कई गुण का भाई, घी के डब्बे खा गया। अच्छा कैसे आना हुआ यहाँ? बिहार नेट गगन कोकरी सुमित गोस्वामी आए हुए हैं। अच्छा, सुमित गोस्वामी सिंगर? हाँ सिंगर, उनके परफॉर्मेंस। अच्छा, हरियाणा के छोरे? हाँ हरियाणा के छोरे। क्या बात है, हरियाणा के पंजाब के सारे मिक्स हो रहे हैं आज। अच्छा हाँ, ओके, तो उनके साथ आए हो? हाँ उनके साथ आए। जेजेपी के साथ कोई रिलेशन है या उनके साथ है? नहीं, जेजेपी के साथ भी है, उनके साथ भी है। अच्छा, दोनों के साथ। मजा आ रहा है कि बोर हो रहे हो? बहुत मजा आ रहा है। भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई, आप सुनाओ। एकदम बढ़िया। अच्छा यहाँ पे आना कैसे हुआ? एक तो अपना अंदरवाना एक्सर बत्ती का नाम तो पेज है। अच्छा, फेसबुक पे ले कर क्या भाई प्रमोशन? सर अपना जो अमित बोस नरवाना है उधर सर बैठे थे। अच्छा, और अपना सॉन्ग आने वाला है मल्लोट का, जिसमें स्टैंडिंग मैंने की है। अच्छा, हरियाणा के संभाई न्यूए करांगे अंगाई टिक्का, धरती पर रहले मारा बैर की मनाई। वाह 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 वाह। तो भाई यहाँ पे चांद सूरजा की सुन मन बात को नी आंदी जा, दर्दा सा बैठे फिर लाश को नी, ये मारी शेराली गुर नू करे चूर चूर, तने डाद्या फूक मार ना तू करे मजबूर, बने नोट 2000 बोच मुठ्ठी मेरे तेरी कर जांगे पाई पाई, हरियाणा के सवाही न्यू एक करांगे अंगाई टिक्के, धरती पर ले मारे बैर की मनाई। क्या बात, हरियाणा के भाई, हरियाणा के गम वाले खूब, हरियाणा खूब छारा भाई। हाँ जी, नरवाड़ा जगह में इतना सुना पका गई है कि भाई मिले ना। अच्छा भाई, ठीक है भाई। भाई मेरे ख्याल से मैं सिंगर भाई साहब हुए हैं जो बैठे हैं और इनसे कर लेते हैं। अच्छा जी, पहले इनसे ही बात कर लेते हैं। हाँ जी, राम राम बेबे, बेबे राम राम, ठीक है। अच्छा आप सिंगर हो? नहीं। और ऐसे क्रू मेंबर? क्रू मेंबर भाई साहब के साथ। हाँ। अच्छा, तो आपने भी कहीं रोल वोल कुछ मिला? नहीं, है नहीं, नहीं नहीं। अच्छा, आप करते ही नहीं? बैकस्टेज। हाँ। अच्छा अच्छा, तो आप बैकस्टेज में क्या? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, तो कितना मजा आता है भाई साहब के साथ काम करने में? बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। कहीं पॉपुलरिटी मिल रही है? मिल ही रही है, देख रहे हो आप, तभी तो यहाँ बैठे हो। एक बात पूछ रहा हूँ, यहाँ पे हम 50-100 लड़के हैं अप्रोक्स, कोई अनकंफर्टेबल? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मजा आ रहा है? हाँ बिल्कुल। कोई अभी तक किसी ने कुछ स्टीज वीज कुछ नहीं किया? नहीं, कोई टोंट वोंट कुछ नहीं मारा? और मारोगे तो मारोगे, भाई सुना नहीं। हाँ, ये स्मार्ट गर्ल्स है हरियाणा के। कभी ऐसा अक्सर होता है कि भाई हाँ किसी ने कुछ कह दिया, पंगा होगा? कह दिया तो वो उसकी जुबान है, मेरे ख्याल से उसको मैटर करना चाहिए कि वो हम लोग कहीं जा रहे तो हरियाणा की शान है, मतलब हटा रहा है वो। मतलब जिसने जो कहा उसके माँ बाप ने सिखाया होगा? हाँ, है ना? नहीं, माँ बाप ने क्यों सिखाया होगा, हर गलती माँ बाप की क्यों है, संगत की तो असर है। कितना पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव एटीट्यूड, आई लाइक, आई लाइक इट, आई लाइक इट। अच्छा, तो भाई साहब के साथ रह के क्या कुछ सीखा? सीख ही रहे हैं, अभी तो चल रही है जर्नी, सीख रहे हैं। मतलब अक्सर मैंने सुना है, सॉरी, कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी कितनी भी बढ़ जाए, एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। सही बात है यार। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स हैं, भाई साहब भी उनमें से एक है ऑनेस्टली, लेकिन उन सिंगर्स के साथ जब आपको पॉपुलैरिटी मिल जाती है, एटीट्यूड में थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, फिर अपना चैनल, अपना नाम, अपना कुछ। वही तो चीज़ है ना जो सुमित भाई में अलग है, वो एटीट्यूड ही तो है जो नहीं आ रहा है, वही तो सीख रहे हैं हम। अच्छा हाँ, वो एटीट्यूड नहीं आ पा रहा, एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। वाह यार, बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब हम ऐसे जगह पर आते हैं। हाँ भाई देख ले यार। अच्छा, तो भाई साहब ने सिखाया कि एटीट्यूड नहीं आना चाहिए? भाई साहब में नहीं है, मेरे फैंस मेरे यार। क्या बात है, तो जी धन्यवाद आपका। अच्छा ओके, तो भाई भाई एक मिनट रुकियो भाई, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुकियो भाई, आगे तो फोटो करवा लिया मेरा भाई, भाई साहब राम राम।
भाई साहब कैसे हो? बढ़िया जी, दया बोलेगी एकदम बढ़िया जी। अच्छा भाई जी, ये बताओ आपने सिंग जो सॉन्ग निकाला है हरियाणा के छोरे, नया ही कुछ मोड ला दिया इसमें, इतना पॉपुलर होगा आपने सोचा था? ऑनेस्टली बताओ। मैंने ये जो अभी चल रहा है सिर्फ ट्रेलर है, सही बताऊं तो ये अच्छा भी नहीं है मेरे लिए, भगवान कसम। बहुत बड़े बड़े सिंगर्स भी आपके ये सॉन्ग लगा के अपना टिकटॉक पे बहुत कुछ ऐसा चलाते हैं, आपने देखा होगा ऐसा। तो अब आगे का टारगेट क्या है? आगे का टारगेट यही है हरियाणा को वर्ल्ड वाइड फेमस करना। बिल्कुल, लोग ऐसा कहते हैं, मैं चाहता हूं, मैं करके दिखाऊंगा, रेड कार्पेट से ग्रैमी ले आऊंगा, ऐसा करके दिखाऊंगे, मैं खामा खाया बोल के, जब होएगा तब आपको पता लगेगा। सर एक क्लीज प्लीज, वो क्लीज सुना दीजिए, वो छोरे रह के छोरियां तो दूर, एक वो डायलॉग जो आपने गाना है। अच्छा अब भाई एक मिनट यार। हरियाणा के छोरे आगे ढोलिया बैठे, तू भोलेनाथ तेरा जचदा आयो हो, ओ खड़े बाप जैसे सलै, फिर आख्या छोरियां दे गए प्यारी, हरियां बे मरदा आयो हो। थैंक यू भाई मजा आ गया यार, सीरियसली बहुत अच्छे सिंगर है। कई बार तो म्यूजिक चला दो ना, ऑनेस्टली बहुत अच्छे सिंगर है और बड़ा मजा आया यार। अभी यहाँ पे और कौन कौन है? एक वो भाई, चल उस भाई से मिलाएंगे, आ जाओ भाई। राम राम। राम राम भाई जी, भाई कैसे हो? भाई बढ़िया एकदम। इस पूरी टीम में एक आप पे मेरे जिसे लागे बाल बुड़ लंबे हैं। भाई मैं डांस कोरियोग्राफर हूँ और इवेंट कोरियोग्राफ करता हूँ। अच्छा कोरियोग्राफर है आप? वाओ, ये भाई साहब मेरे साथ है, मैं भी कोरियोग्राफर हूँ, ये भी कोरियोग्राफर है। अच्छा तो भाई साहब के साथ रहकर कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है जी। वैसे मैं एमडी भाई की टीम से हूँ। अच्छा एमडीकेडी? हाँ जी एमडीकेडी भाई की टीम से हूँ। वाह, और अभी भाई और के साथ फ्रेंडशिप है, बढ़िया सर्कल है, तो यारी दोस्ती मारे हो? हाँ यारी दोस्ती, मजा आ रहा है इनके साथ? हाँ फुल एंजॉय कर रहे हैं। एमडीकेडी के साथ भी बहुत मजा आ रहा है? एमडीकेडी के साथ तो बहुत मजा आया। हाँ जी थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो भाई स्वाद आ गया, कंधा बैठ गया है। अच्छा एक आधे भाई ले खूब बैठे हैं यार, पूरी बटालियन बैठी है, जितने भी वाइट ड्रेस में नहीं है, जितने भी भाई बैठे हैं सारे वाइट ड्रेस में, सारे राजनीति के शिकार है यार। मतलब मैं तो वाइट ड्रेस में पहन रहा हूँ और ये राजनीति के हैं। बात कर लेते हैं सर भाई। राम राम। ज्वाइन इंसो, मतलब क्या आपकी डेजिग्नेशन है इस इंसो में? इंसो एक ऐसा संगठन है जो गैर राजनीतिक काम करता है युवा साथियों के लिए। अच्छा कॉलेजेस में जो भी समस्या होती है इंसो उसको चुटकियों में ठीक कर देता है जी। इंसो ही यहाँ अपने पूरे हरियाणा में सबसे मजबूत संगठन है। वाह वाह भाई, एक बार वीडियो पोस्ट कर ले यार। तो भाई अभी एक भाई बैठे हैं, सिंगर हैं बहुत अच्छे, गोल्डी गिल के नाम से, उनसे बात करते हैं क्या कुछ कहना उनका। भाई राम राम। भाई साहब राम राम। और कैसे हो जी? भाई जी मैं दो मिनट बैठ जाऊँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। गोल्डी भाई कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया सर, आपको अच्छा। देख के और भी अच्छे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अच्छा भाई साहब जब आप यहाँ पर स्टेज पर आए जी, एक्सपीरियंस की पूछ रहा हूँ मैं आपका। ऑनेस्टली बहुत नाम है, बहुत लोग आपको जानते हैं, बहुत आप सिंगिंग फाड़ू सिंगर हैं आप। तो जैसे ही आप स्टेज पर आते हैं हूटिंग वगैरह, उसको किस तरह से डाइजेस्ट करते हैं? देखो मैं पिछले बहुत सालों से चौटाला परिवार से जुड़ा हूँ, मेरे बाप दादा के समय से हम इस परिवार की सेवा करते आ रहे हैं और इंसो के लगभग हर प्रोग्राम में मैं परफॉर्म करता हूँ। मेरी जिम्मेवारी लगाई जाती है आने की और मुझे बड़ी खुशी होती है यहाँ आके, और हमेशा की तरह यूथ पूरी एनर्जी में होता है और युवाओं का जोश आप देख ही रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और हिसार तो मेरा होम टाउन है और यहाँ तो गा के मुझे वैसे ही बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं एक नया सा यूट्यूबर हूँ, छोटा सा यूट्यूबर। मैं आपको फेसबुक पे काफी समय से देख रहा हूँ, आज दर्शन हो गया आपके। धन्यवाद जी। मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ और मैं उस चीज को सीखना चाहता हूँ, एक बड़े बड़े जो बड़े बड़े लोग हैं जी, वो उस चीज को कैसे डाइजेस्ट कर पाते हैं, उस एटीट्यूड ना आ पाए, मैं भी ये चीज सीखना चाहता हूँ, कैसा ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए आदमी का? देखो बीइंग एज ए आर्टिस्ट, मैं आपसे इस सवाल का जवाब बीइंग एज ए आर्टिस्ट देना चाहता हूँ। जब हम अपने करियर की शुरुआत करते हैं जी, तब हम चाहते हैं कि लोग हमें पहचाने जी, लोग हमें प्यार करें जी। तो जब ये मुकाम आ जाता है, लोग हमसे प्यार करते हैं, हमसे दिल से जुड़े होते हैं, तो बड़ी खुशी होती है और ये हमारे लिए एक माइलस्टोन होता है। लोगों का प्यार ही हमारे लिए एक माइलस्टोन है। जी, सही बात है। इतनी एनर्जी, इन लोगों की एनर्जी देख के हमें नए नए गाने बनाने की एनर्जी आती है, हमें मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है, तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू भाई। अच्छा एक कोई गाने की कली सुना दीजिए प्लीज। हरियाणवी सुनाओ, पंजाबी सुनाओ, हरियाणवी। हो पक्के हार तीन चार सारे तिखी तलवार, एक पक्की है सहेली बैरी,
गिनती त्यौहार पक्के हार तीन चार। थैंक यू भाई। तो जी मजा आ गया यार, पूरे हो गए, पैसा वसूल काम हो गया यहाँ पे तो। अच्छा और कहाँ चले? अच्छा यहाँ पर भाई का बैठे हैं, इनसे बात कर रहे हैं। भाई राम राम। राम राम जी। भाई जी आपका क्या कुछ कहना है इस कार्यक्रम को लेके, क्योंकि मुझे आप ड्रेसिंग सेंस से एक राजनीतिक विचारधारा के व्यक्ति लगते हैं, तो थोड़ा सा बताइए। ये इनसो का सत्रवा स्थापना दिवस है जी, यहाँ लोग बहुत ही अधिक जनसंख्या में पब्लिक आई हुई है जी, और इससे एक उत्साह होता है हमारे युवाओं में, युवा पीढ़ी का प्रोग्राम है, उत्साह जागरूक होता है लोगों में और पार्टी के प्रति सारे अपनी वो दिखाते हैं, और बहुत ही बहुत मतलब शानदार तरह का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। भाई जी राम राम। राम राम। कैसे हो भाई जी? बढ़िया बढ़िया बहुत। आपका क्या कुछ कहना है? मेरा ये कहना है, आज जो हमारा इनसो का स्थापना दिवस है जी, आज हमने दो बातों का एक कहते हैं ना कि हाथ रख के कसम खाई है, एक तो नशे को खत्म करेंगे, बीजेपी को खत्म करेंगे। ठीक है जी, इनसो का जो स्थापना दिवस है एक पर्व की तरह पूरे स्टूडेंट्स पूरे हरियाणा के मनाने का काम करते हैं। और भाई मैं यमुनानगर से हूँ और आप बात समझना, भाई बात करने का तरीका बिल्कुल दिग्विजय जी जैसा है। 15 दिनों में एक मृत्यु हो रही है जी नशे के कारण। अब देखिए नशा तो यार ब्लड में होता है। अब भारतीय जनता पार्टी के आप समझोगे, हमारे वहाँ एक बॉर्डर पे कलानौर चौकी पड़ती है, वहीं से नशा आता है, वहीं से नशा जाता है। पुलिस वाले उनको पकड़ते हैं, लड़कों को कहीं ना कहीं एक लाख रुपये में छोड़ने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ढील की वजह से आज जो हमारी युवा पीढ़ी है भाई, उनके घर परिवार वाले कहीं ना कहीं हाथ धोकर बैठे हैं। ये संपल कर तो भाई ये बिल्कुल जेन्युइन बात इन्होंने कही। अब इसमें सच्चाई कितनी है, वहाँ पर ऐसा कैसे हो रहा है पैसा लेकर छोड़ने के, वो एक अलग विषय पर बात करेंगे। भाई राम राम। भाई राम राम। भाई क्या हाल है? बढ़िया यार। क्या कहना है आपका दिग्विजय जी के बारे में? शॉर्ट, दिग्विजय भाई साहब एक हरियाणा के शेर हैं। वाह। उन्होंने जींद के अंदर जो इतिहास, दुष्यंत के हैं, दुष्यंत शेर तो आपने कहा, दुष्यंत और दिग्विजय दोनों भाई हमारे शेर हैं। अब दो शेर भागे, देखो एक अंदर बब्बर शेर है, बब्बर शेर, दोनों ही बब्बर शेर हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। आओ भाई, आओ। तो भाई जी अभी चलते हैं आगे। अरे देखिए 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 भाई, अरे क्या हाल है मेरे? और भाई बढ़िया भाई, बिल्कुल तुम्हारा जी सारे स्वाद आ रहे हैं, तुम्हारा पूरे कर रहा हूँ, लागत है ये बात। भाई राम राम। राम राम जी। भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया, बताओ आपका क्या कुछ कहना है आज के कार्यक्रम? बोले कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, आने वालों में जजपा की सरकार होगी, 60+ सीट होगी, ज्यादा नहीं होगा, ठीक लगा नहीं, नहीं ज्यादा थोड़ी हो गया विश्वास, इतना तो कम बोल लिया, नहीं पहले कम बोले देख के, इतने तो लेके माना है। अच्छा, बिल्कुल नहीं माना है नहीं। अच्छा, हाँ खट्टर ना होगा पट्टर। वाह जी वाह। भाई साहब क्या कुछ करना आपका? भाई कति क्लियर जीतांगे भाई जी, भाई जी इतना जरूरी है, नहीं जीते तो विघन हो जाएगा। भाई साहब, भाई यहाँ पे तो शुरू तो राज्य, यहाँ चाहिए हार के फिर भी राज्य रहेंगे, खट्टर पट्टर के। भाई साहब क्लियर जीत अपने, क्लियर। भाई साहब राम राम। राम राम। कैसे हो जी? भाई साहब राम राम। राम राम भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई साहब। क्या कुछ कहना आज के कार्यक्रम को लेके? आज का कार्यक्रम जो नशा मुक्त हरियाणा के बारे में जो आज इन सौ के स्थापना दिवस पर चलाया गया, ये एक सोशल वर्क है, हर बार एक सोशल वर्क लेकर चलते हैं और आज के नशा मुक्त पे है सब कुछ। ओके 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 ओके। तो यहाँ पर भी कुछ भाई खड़े हैं। भाई राम राम। भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया। बेबे राम राम। ठीक से बेबे? बेबे राम राम ठीक से। अच्छा, आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको? क्या सीख मिली आज के और क्या होगा? शायद आज तक के इतिहास में इससे अच्छा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है। अच्छा, इतना अच्छा, इतनी भीड़ और इतना मतलब अनुशासन, जो अनुशासन रहा इस प्रोग्राम के अंदर, शायद किसी और आप प्रोग्राम के अंदर आप नहीं देख सकते। बेबे आपका क्या कहना है? ऐसा प्रोग्राम आई थिंक आज तक यूनिवर्सिटी में कभी नहीं हुआ। और इनसो ने जो मुहिम चलाई है ड्रग फ्री इंडिया, आई थिंक ये सक्सेसफुल हो, मैं मतलब की उम्मीद करती हूं। ओके, बेबे आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा प्रोग्राम था और हमें ना ड्रग फ्री इंडिया मतलब करना चाहिए। ओके भाई राम राम। राम राम भाई। क्या है भाई? बढ़िया जमा। अपना क्या कहना है? अपना भाई न्यू कहना है, यूनिवर्सिटी में आज लगी सब प्रोग्राम ना कदे होया ना कदे होएगा, मतलब तो कुछ ऐसे दोबारा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा ना, दिव्य करेंगे इन सौ में इतना दम है भाई, वो ऐसा प्रोग्राम कर सके, चाहे वो भूखता की बात हो। पहले कौन आया जाता है? अरे इस यूनिवर्सिटी की बात करूं, यूनिवर्सिटी में पहला प्रोग्राम है, पहले इन सौ में इतना दम कौन करेगा, कौन तो यार तू तो आगे आगे बात ले। तो भाई मजा आ गया यार बात करके। और किसका है? भाई राम राम। राम राम भाई। क्या ले भाई? जमा मोहन घर आए हुए हैं। हाँ थोड़ी भी तो घनी आ रही है यूनिवर्सिटी में। राम राम भाई। तो आप सबका इस विषय पर क्या कुछ कहना है, मैं आपके कमेंट की वेट करूंगा। धन्यवाद। राम राम। जय हिंद भारत माता की। जय भाई।